हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हम हैं आज संडे, आज हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है हमारा सेमिनार शुरू। ओहो हो हो सॉरी, आज हमारा जल्दी शुरू हो गया है शाम का। मैंने सुबह भी बता दिया था कि मैं शाम को 8 बजे लाइव आऊँगा और इसलिए मैं शाम को 8 बजे लाइव आ गया हूँ। और हम आज लाइव में डिस्कस करेंगे बोन। उप्स उप्स उप्स, आवाज़ ज़्यादा तेज हो गई। राइट, सो आज हम लाइव में डिस्कस करेंगे हड्डियों के बारे में और जॉइंट्स के बारे में, यानी बोन एंड जॉइंट्स, यानी जोड़ और हड्डियाँ। जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में सूजन है, क्या है बताओ, उसके हिसाब से आगे आपका इलाज किया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। राइट, क्या होता है हड्डियों से और बोन्स से, बोन्स क्यों ज़रूरी है, बोन्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी पहले देते हैं आपको। देखिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बोन्स आपके शरीर में। बोन्स ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके शरीर को सपोर्ट कौन देगा, शेप कौन देगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बोन्स के अंदर ही आपकी खून के सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, वो वहाँ पे बनते हैं। RBCs, WBCs, जो आपके इन आपके बेसिकली इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके फाइटिंग सेल्स हैं सबसे ज़रूरी, वो वहाँ पे बनते हैं। और थर्ड, जो प्लेटलेट्स हैं, जो क्लॉटिंग, कि भाई खून बह रहा है तो खून बहना रुक जाए, वो भी वहीं बनते हैं बोन मैरो में। तो बोन के अंदर जो मैरो होता है वहाँ पर, तो बोन बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके फंक्शन के लिए, आपकी लाइफ के लिए। यहाँ तक कि बोन सबसे ज़रूरी चीज़ है जहाँ पर स्टोर होती है कैल्शियम। बहुत एक नॉर्मल लेवल कैल्शियम का आपकी ज़िंदगी के लिए जीवन भर बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा, किसी एक मिनरल का अगर स्टोरेज है तो कैल्शियम का स्टोरेज है, भरा हुआ है आपके बोन्स में। जब भी आपके खून में कैल्शियम हो जाता है कम, आप नहीं खाते, आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, जो भी है, कैल्शियम आपके खून में नहीं आ रहा, तो हड्डियों से निकल के कैल्शियम इस्तेमाल किया जाता है और वो कैल्शियम आप कि हड्डियों से निकल जाता है, और जब आप कैल्शियम खा लेते हैं तो वो हड्डियों में वापस डिपॉजिट हो सकता है। तो ये फंक्शन है आपके शरीर में बोन्स का, कैल्शियम का। साथ ही बोन्स डिटरमाइन करती है कि आपकी हाइट कैसी होगी, आपका शेप कैसे होगा, आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा। बचपन में आप अगर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, एक्सियल प्रेशर देते हैं बोन के लेंथ के अगेंस्ट, जितना प्रेशर जाता है, अगर बोन ऐसी है और उसके लेंथ के अगेंस्ट प्रेशर मिल रहा है, जैसे खड़े हैं तो वर्टिकल प्रेशर मिल रहा है, तो हाइट बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर चाहिए। यानी लोग सोचते हैं भार उठाएंगे तो दिक्कत होगी, भार उठाने से हाइट नहीं रुकती, जंप करने से जब भार लगता है, ऐसे जो सब प्रेशर लगता है ना शरीर पे, जैसे खासकर ये वाला मेरे हाइट वाले वीडियो में समझाया था, तो हाइट एक्टर बढ़ती है, ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। बट एनीवेज, वो अलग टॉपिक है। बट देन बोन की हेल्थ बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट योर लाइफ। अगर बोन वीक हो जाए, देख बोन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले, बोन को अच्छा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली उसको अच्छा कैल्शियम चाहिए, उसमें विटामिन डी चाहिए, उसको सही मात्रा में एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि बोन एक्सरसाइज नहीं होगी तो दिक्कत होगी। बोन को, मसल को, जॉइंट्स को, तीनों को अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज चाहिए। और बोन और जॉइंट में प्रॉब्लम कर सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, दूध नहीं, मतलब कैल्शियम नहीं खाते, आप बहुत स्मोकिंग करते, अल्कोहल लेते हैं, तो बोन्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ये दोनों में है, लेकिन बोन्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, बोन्स में बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नंबर वन प्रॉब्लम जो बोन में होती है वो है कि बोन डेंसिटी कम हो जाना, या बोन में कैल्शियम, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, और ये सब सुना होगा आपने, ऑस्टियोमलेशिया, कि भाई मेरी हड्डी में हड्डियां गल गई हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, है तो बोन डेंसिटी कम हो जाना, राइट, बेसिक चीज है। बोन वीक हो जाती है और जल्दी टूट जाती है, वो होता है क्योंकि बोन के अंदर जो मेश वर्क है कैल्शियम का, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई जो बोन है वो कम हो, हल्की हो जाती है, तो कैल्शियम बहुत निकल जाता है। नंबर वन रीज़न उसका कैल्शियम डेफिशिएंसी, और जो दुनिया भर में लोग कैल्शियम बंद करके बैठे हुए हैं सोच के कि मुझे किडनी स्टोन हो जाएगा, जबकि कैल्शियम से किडनी स्टोन होता ही नहीं, दूसरी चीज़ों से होता है, ऑक्सैलेट से होता है, वो सब हमने किडनी स्टोन वाले वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी लोग समझते हैं पा भी पानी नहीं पीने से किडनी स्टोन होता है और वो कैल्शियम बंद करके बैठ जाते हैं और ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो लेके बैठ जाते हैं। वो सबसे कॉमन बीमारी है हड्डियों की, सबसे कॉमन रीज़न है हड्डियों में दर्द होने का। नंबर दूसरा रीज़न है जो बचपन में होता है बोन्स की
ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की चीज़ है कि बोन सही से बनी नहीं रही है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है या फिर वीक हो गई है, जो पैगेट्स डिजीज करके होती है, बोन की बीमारी होती है। खैर वो छोड़ दो, उसमें बोन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, बोन में कैंसर भी हो सकता है, बोन में और भी जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो सकती है, बोन में आपके न्यूट्रिशन की कमी, जेनेटिक्स की कमी की वजह से बोन बनने का ग्रोथ रेट कम हो सकता है, बोन में आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, जॉइंट में होता है ज़्यादातर आर्थराइटिस, लेकिन बोन में भी आपके ऑस्टियोफाइट्स बन सकते हैं, हड्डियाँ इधर उधर से ग्रो हो सकती हैं, है ना, वो उस तरीके की दिक्कत बोन में हो सकती है। ये हुई बात बोन की। अब बात करते हैं जॉइंट की, आपकी जोड़, जोड़ में क्या होता है। देखिए जोड़ वो जगह है जहाँ दो बोन आके जुड़ती हैं, जैसे कि आपके घुटने का जॉइंट, आपके हिप का जॉइंट, आपके एल्बो का जॉइंट, ये सारे जॉइंट जॉइंट्स हैं, आपके शोल्डर जॉइंट, आपके ये सारे जॉइंट 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 जॉइंट, यहां पे भी जॉइंट, हर जगह जॉइंट। सो जब भी आपको जॉइंट की बात करें तो जॉइंट के अंदर हमेशा याद रखिए मूवमेंट होती रहनी चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जॉइंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, वेरी सिंपल, जॉइंट में बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जॉइंट के अंदर का जो ग्रीस बोलते हैं, जो फ्लूइड बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, वो कम हो सकता है, कार्टिलेज घस सकता है, हड्डी हड्डी से कभी टच नहीं होती, वो टच हो सकती है अगर बीच में का जो गैप है वो कम हो जाए, ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है। तो आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन नंबर वन रीजन जिससे जॉइंट में पेन होगा, स्टिफनेस होगा और स्वेलिंग आ सकती है, राइट। ओवर टाइम आपके जॉइंट धीरे 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 बड़े होकर डैमेज हो जाएंगे, आपको कई बार जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि किडनी का सॉरी नी रिप्लेसमेंट नाम की चीज के बारे में सुना होगा, वो कराना पड़ जाता है। फिर एक चीज है बरसा, मैंने किडनी वाले वीडियोज में समझाया था, किडनी बुरा एक दो वीडियो मैंने घुटने वाले बनाए थे उसमें समझाया था कि जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड बनता है, जो बेसिक ग्रीस बनता है, वो बरसा से बनता है, वैसे 15 बरसा है आपके नी के आसपास, वो बरसा बार 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 वो फ्लूइड बनाते रहते हैं, जो ग्रीस बोलो या जो भी हिंदी भाषा सिंपल भाषा में, वो बनाने वाली जगह बर्साइटिस, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है उस कुशन में, वहां पर फिर जॉइंट में पेन होता है और ऑब्वियसली जॉइंट में भी चोट लग सकती है, तो जॉइंट में डिसलोकेशन हो सकता है, जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, जॉइंट बाहर निकल सकता है, दैट्स ऑल ट्रीटमेंट, राइट। सो ऑब्वियसली जॉइंट का भी ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, उसमें क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, राइट। स्पोर्ट्स खेलते हुए जो इंजरी होती है वो ज्यादातर जॉइंट में होती है, बोन में नहीं, बोन तो स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट, बोन स्ट्रांग होती है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो, जॉइंट वीक होते हैं, कुछ एंगल में स्ट्रांग होते हैं, कुछ एंगल्स में वीक होते हैं, राइट। जैसे अगर ऐसा मूव करने वाला जॉइंट है उसको आप ऐसे मूव कर दोगे तो वो टूट सकता है, दैट्स अ पॉइंट, राइट, डिसलोकेट हो सकता है, राइट। जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो सबसे कॉमन चीजें जो हमने आपको हमेशा बताई है, अभी बता रहा हूं, नीचे बता जब सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे, लेकिन सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जॉइंट प्रॉब्लम्स का है RICE, मैंने बार बार बहुत बार बताया है, राइस यानी कि आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, बर्फ लगाना है पहले 24 से 48 घंटे तक, दो दिन बर्फ लगाना है, रेस्ट देना है, जॉइंट को मूव नहीं करना है, आइस रेस्ट। थर्ड इज कंप्रेशन, उसको पट्टी बांध के रखिए, जो कंप्रेस करके पट्टी रखिए ताकि जॉइंट कम हिले, और एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हार्ट लेवल के ऊपर रखिए ताकि वहां पे सूजन ना हो, ये पहले दो दिन का काम होता है, दो से तीन दिन के बाद फिर अगर फिर भी आपको दर्द है तो वहां पे आप फिर गर्म सेक दे सकते हो, पहले ठंडा सेक, इससे सूजन कम होगी, दिक्कत कम होगी, परमानेंट कम होगी, अगर आपको चोट लग जाए तो। ये चोट के बाद का है, चोट के बाद का, वैसे हर एक दर्द का नहीं है, आर्थराइटिस में आपको देखना पड़ता है कारण क्या है, राइट। इसके अलावा जॉइंट में और भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके पेन किलर से, पेन किलर अगर बार बार ले रहे हैं तो जॉइंट में एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बिकॉज आपको आपको महसूस नहीं होगा प्रॉब्लम बढ़ रहा है पेन किलर के चलते, तो इसलिए पेन किलर इज नॉट द सोल्यूशन। हाँ, जीने के लिए, चलने फिरते रहने के लिए कभी कभी पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी चीज है, उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको आर्थराइटिस, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनके हाथ पैर नहीं हिलते, हिलते रहने चाहिए, इसलिए फिजियोथेरेपी करते रहने चाहिए, जितनी मूवमेंट हो सके उतनी करनी चाहिए, चाहे बिस्तर में मूव हो रहे हैं लेकिन मूव होना चाहिए। तो मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थराइटिस और जैसी दूसरी बीमारी है उसको रेगुलर चेक करिए कि कितनी आगे बढ़ रही है। एक लेवल पे जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस लग सकते हैं, जॉइंट के अंदर जॉइंट के लिए मेडिकेशंस आती हैं, इंजेक्शन स्टीरॉइड के या वो जो फ्लूइड है, ग्रीस है, हायलुरोनिक एसिड, उसके इंजेक्शंस लगते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऐसी बीमारी को। तो ये हुई बातें जॉइंट की और बोन की। अब ले लेते हैं दोस्तों आपके सवाल, आपके सवाल शुरू करते हैं। तो अश्विनी कुमार जी पूछ रहे हैं, सबसे पहले अश्विनी पहले 10 सवाल लेंगे, उसके बाद फिर आपके दूसरे जॉइंट के सवाल पूछना शुरू करेंगे। अश्विनी, हाउ इज इट गोइंग, प्लीज टेल डिफरेंस बिटवीन
फंक्शंस ऑफ लिवर एंड किडनी है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। लिवर और किडनी में दोनों का अलग फंक्शन है। किडनी आपका यूरिन बनाती है, चीज़ें एक्सक्रीट करती है, लिवर चीज़ें डिटॉक्सिफाई करता है खून को, और खून में आने वाली उल्टी सीधी चीज़ें जो खाने से आप खाते हैं उनको, और लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, किडनी विटामिन डी बनाता है, किडनी भी इरिथ्रोपोएटिन बनाता है जो खून बढ़ाने के लिए है, और लिवर क्लॉट हो सके वो बना, तो बहुत सारे मिले जुले फंक्शन है। लिवर और किडनी दोनों काम करते रहने चाहिए वरना दिक्कत हो जाती है। ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो वो पूछा करिए, ऐसे वे बहुत लंबा टॉपिक एक साथ नहीं बता सकते। स्पेसिफिक सवाल के लिए है ये जवाब, ये जगह, ठीक है। गुड इवनिंग, एक ईयर पहले मुकेश जी बोल रहे हैं कि उनकी नीज में इफ्यूजन था एंड बोथ नीज में गैप भी है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ बट रिलीफ नहीं आ रहा है, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, काइंडली सजेस्ट मी। आपकी उम्र आपने नहीं लिखी, स्पोर्ट्स पर्सन की उम्र में बहुत इशू हो जाता है इसमें, अगर नी में गैप भी, नीज में गैप भी है, देखिए नॉर्मली नीज में गैप होता है, गैप कम हो गया तो देर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। कई बार डॉक्टर्स सिंपल भाषा में बोलते बोलते नीज में गैप आ गया, ये आ गया, बट देन अल्टीमेटली द गैप शुड बी देयर, राइट। गैप नहीं है, हड्डी हड्डी को रड़ रही है, मतलब रगड़ रही है, देन देर इज अ प्रॉब्लम, देन देर इज अ बिगर इशू रैदर देन गैप है। सो गैप है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीज के अंदर इफ्यूजन आना यानी कि पानी भर जाना अपने आप में इन्फ्लामेशन का साइन है। अगर इन्फ्लामेशन है तो वहाँ ऑटोइम्यून डिजीज या आर्थराइटिस या इन्फेक्शन, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून है, दोनों ही केसेज में नी जॉइंट को रेस्ट, आइस, एलिवेशन, कंप्रेशन, दोनों तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इनिशियल स्टेज में। देन लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें ज्यादा लेनी है, जैसे कि मैं सबके लिए बता रहा हूं, आगे भी जिन जिनको एंटी इंफ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो सब एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना शुरू करिए जिसमें ईपीए और डीएचए हो, जैसे मेगा 3 करके दवा आती है और भी कई आती है। वेजिटेरियन है तो फ्लेक्सीड ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, इन ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं डेली बेसिस पे। दूसरा आपको लेना पड़ेगा एक अच्छा विटामिन सी का सोर्स डेली, या फिर विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन डी, यानी थोड़ा सा धूप, धूप में नहीं जा सकते, दिक्कत है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए, और फ्रूट्स दबा के खाइए, जो फ्रूट्स खा सकते हो, जो वेजिटेबल खा सकते हो, दैट इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, राइट। इतना करिए, बाकी तो आपकी फाइल्स या वो देख के समझ जाना पड़ेगा कि भाई क्या और कर सकते हैं, राइट। बिकी जी पूछ रहे हैं मॉइस्चराइजर प्लीज, ऑयली स्किन, ऑयली स्किन के लिए आप एलोवेरा बेस्ड जेल मॉइस्चराइजर ले लीजिए, जेल मॉइस्चराइजर एलोवेरा बेस्ड, आई हैव नो आइडिया कौन सा ब्रांड, आई डोंट एंडोर्स एनी ब्रांड ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। थैंक यू जी पांचाल जी, लव यू टू। हेलो जी आदेश जी, एस के गुप्ता जी पूछ रहे हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन वाला सवाल सीधा ऊपर चला गया, ओके ये आ गया, सिस्टोस्कोपी एज सीन थ्रू सिस्टोस्कोपी बाय द यूरोलॉजिस्ट, ही हैज सजेस्टेड सर्जरी, एज 35, इज देर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इट, प्लीज एडवाइस, क्वाइट फ्रेंकली नो। सी, अगर आपके ब्लैडर नेक के सामने ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी वुड बी ऑब्वियसली थ्रू सिस्टोस्कोपी, अगर वो दूरबीन डाल के सर्जरी करेंगे, इट्स नॉट अ वेरी मेजर सर्जरी, आप करा सकते हैं, नो बिग डील, इसका कोई मेडिकल ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब वहाँ की जो रास्ता है वो सिकुड़ गया है, सिकुड़े हुए रास्ते को खोलना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, सिकुड़े रास्ते को खोलना है बस, सो डोंट वरी अबाउट इट, स्मॉल सर्जरी, गो फॉर इट, यू विल बी हैप्पी, ऑलराइट। जस्ट टेक केयर ऑफ अदर थिंग, यूरिन हाइजीन, अच्छे पानी पीना, अच्छा ये कहना है वो जरूरी है, ठीक। कमल कोचर जी, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकांस, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकांस हुआ था मेरे चाइल्डहुड में, लेफ्ट नी में डॉक्टर ने ऑपरेट किया था, वो क्यों होता है, क्या फ्यूचर में हो सकता है, और दोबारा बोन घिस गई थी, और ऐसा कुछ था क्या, टैबलेट्स लेना चलिए। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस डेसिकांस जो बीमारी होती है ये बेसिकली कार्टिलेज, जो जॉइंट के बीच में हमने बताया गैप के बीच में, जो कार्टिलेज के बीच में जॉइंट, तो कार्टिलेज में होता है, और कार्टिलेज में क्रैक्स
कह लीजिए क्रैक्स आ जाते हैं, कार्टिलेज टूट सा जाता है। सो वो टूटे हुए कार्टिलेज से दर्द होता है और इवन कभी कभी अंडरलाइंग जो बोन है वो भी क्रैक्स आ जाते हैं। डेसिकांस इसी को कहते हैं, डेसिकेट कर जाता है, टूट जाता है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है, राइट। सो उसके बहुत सारे कॉजेज है, राइट, और ये ऑब्वियसली एक बार हुआ है तो फिर हो सकता है, इट्स ऑब्वियसली पॉसिबल। आपका ये ज़्यादातर रिपीटेटिव ट्रॉमा से होता है, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से अगर आप उसके ऊपर इंजरी करेंगे, ये ना इतना ही कूद रहे, इतना भार उठा रहे, ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ओवर यूज से होता है और वीक बोन से होगा, वीक कार्टिलेज से होगा, ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होगा। तो आपको क्या कर सकते हैं, पोस्चर एक फर्स्ट स्टेप, पोस्चर सेकंड स्टेप, बैलेंस न्यूट्रिशन थर्ड स्टेप, टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स भैया, रेस्ट दो। सॉरी, ओवर एक्सरसाइज नहीं करने का है, ओवर एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट एनिमी, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ऑलराइट। दवाई की जरूरत नहीं होती है इसमें, क्वाइट फ्रेंकली, हाँ, पर आप अगर बोन्स वीक हैं, क्रैक्स हैं, तो सप्लीमेंट्स जैसे कॉस्टियो जो हमने बताए थे जॉइंट के लिए, कॉन्ड्रोटिंग सल्फेट, ऐसे वो ग्लूकोसामीन, ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेने में, ओके। हेलो 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 दर्श जी, हेलो शुभम, हेलो मनोज जी, हेलो सिद्धार्थ, माय वे प्रोटीन कंटेन्स एसी सुल्फेम के, एसीसुल्फेम के, इज इट सेफ, आई हैव टू सी व्हाट दिस थिंग इज, एसीसुल्फेम के, एसीसुल्फेम के बारे में मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा, वैसे दिस इज समथिंग विच आई हैव पढ़ा हुआ है, राइट। अच्छा, ये स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सो नो, नॉर्मली इट वॉज एन ओल्ड, बहुत पुराना आर्टिफिशियल स्वीटनर है, बट इज इट सेफ और नॉट, आई हैव टू लुक इन टू इट, ठीक है, अभी मैं नहीं कह सकता कि ये कितना सेफ है कितना नहीं। आई विल से कि इसके बारे में पबमेड पे जाके देखिए, एसीसुल्फेम के पबमेड सेफ्टी, इतना लिखोगे तो तीन चार रिसर्चेज में जो लेटेस्ट है 2018, 17, 16, 15, जो भी लेटेस्ट रिसर्च है उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये सेफ है कि नहीं है। क्वाइट फ्रेंकली दैट्स हाउ यू डिसाइड कि कौन सी चीज़ सेफ है कौन सा नहीं, ठीक है। ऑस्टियॉइड ऑस्टियोमा, ओके, यहाँ पर हमारे पास राजा जी ने पूछा, ये ऑस्टियॉइड ऑस्टियोमा जो एक तरीके का ट्यूमर है, वो बिनाइन ट्यूमर है बोन का, जो कि ऑब्वियसली बोन बनाने वाली चीज़ों, जो बोन बोन बनाने वाले सेल्स हैं उसमें से ही आएगा, और ये भाई साहब बड़ा हो सकता है और दिक्कत ज़्यादातर नहीं करता, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अनलेस एंड अंटिल ग्रो करे। लेकिन इसको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कई बार आप दूसरी चीज़ों से, जैसे बोन ट्यूमर, बोन दूसरे टाइप के ट्यूमर होते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले तो डायग्नोसिस क्लियर करिए ऑस्टियॉइड ऑस्टियोमा के लिए, और ऑस्टियोस्टियोमा है तो अगर पेन हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो उल्टी सी जगह है, दर्द हो रहा, दब रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन के लिए फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन आपको दी जाती है, अगर वो नहीं काम करते हैं, बहुत ही बड़ा है, तब फिर वो सोचा जाता है कोई प्रोसीजर की जरूरत है या नहीं, कायदे से तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये होगी ऑस्टियोस्टियोमा। After running pain in lower legs, अच्छा, ये अगेन इट कैन बी वीक जॉइंट, वीक बोन्स, कैल्शियम डिफिशियंसी, डिहाइड्रेशन, विटामिन डी, विटामिन बी 12, देर कैन बी मेनी रीजन, इवन विट यू नो खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, पानी की कमी। सो देखिए वही चीज़ है, देखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या कारण है। आप पहले टिक मार्क करिए ये सब जो मैंने बोला, रिमाइंड करके, ये है कि नहीं, 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 चेक करो, इन सबको चेक करो, ठीक है। All right, GGH, मनोज जी क्या लिख रहे हो, बिल ब्रिंट दिलबर, दिलबर दिलबर जी पूछ रहे हैं टाइफाइड के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो आएगा माय फ्रेंड। एक बार देख लेते हैं हमने कितने सवालों के जवाब दे दिए, क्या हमारे हो गए, एक दो तीन चार पाँच और छः सात आठ, आठ हुए अभी, आठ हुए कि नौ हुए, आठ हुए, चलो कोई नहीं, नौ हो गए। बचपन से एक नी में प्रॉब्लम है, बताओ भाई साहब ये कौन सी बात हुई, मतलब मैं अंतर्यामी हूँ, आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर साहब को बोलते हैं एक नी में प्रॉब्लम, ये ले बच्चा अब तेरा ठीक हो जाएगा नी, अरे और भी बताते का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने का बोला है, का टेस्ट किया है, क्या बताया, आर्थराइटिस है, गैप कम है, घुटने का स्ट्रक्चर अलग है, हमें कैसे पता है ना। आकृति जी थोड़ा और लिखना पड़ेगा, नी में प्रॉब्लम क्या है,
राइट, हो सकता है बचपन में चोट लगी हो, कोई मिनिस्का विनिस्का टूट गया हो, नी के जो जॉइंट के लिगामेंट्स हैं अंदर वो टूट गए हो, हो सकता है कुछ और सिंपल प्रॉब्लम हो सकता है आपको, एक एक कभी कभी होता है पैर की ग्रोथ सही नहीं होती अच्छे से, तो हमें नहीं पता क्या है, उसको तो देखना पड़ेगा। आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ, दोनों से आइडिया लो और हमेशा बात करो कि मेरे को बीमारी क्या है ये तो बता दो, डॉक्टर को कहना डॉक्टर साहब बीमारी तो बता दो। ठीक है, ओके। ग्लाइकोपायरोलेट फॉर एंजाइटी रिलेटेड फेशियल हाइड्रो हाइपर हाइड्रोसिस। अच्छा, क्वाइट फ्रैंकली ये एक्सेसिव ड्रोलिंग के लिए काम जरूर करता है, एंटी कोलिनर्जिक है तो जरूर ये कम करेगा, ऑल्दो इसकी सेफ्टी और एफिकेसी का मैं नहीं बोल सकता कि ये कितने दिन काम करने से क्या प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता, बट थेरेटिकली ज़रूर ये काम करना चाहिए। सो मैं कहूँगा आप एक स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में या फिर एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के गाइडेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक सिक्रीशंस कम करते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स पूरी बॉडी में होंगे। जहां ये फेस के सिक्रीशंस कम करेगा वहां बॉडी के सिक्रीशंस, एंजाइम सिक्रीशन, गैस एसिड सिक्रीशन, सो आपको ब्लूटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो आपको समझना है कि इसके साथ बैलेंस करके कैसे चलना है। ठीक, ये हुई ग्लाइकोपायरोलेट की बात। नी बहुत दर्द है, अगेन द सेम थिंग, घुटने में दर्द होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, आपको चेकअप कराना पड़ेगा ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। यहाँ पे हम सिर्फ घुटने में दर्द बोल के हम ऐसे नहीं बोल सकते जा बेटा तेरे को ये है, ऐसे नहीं बोल सकते, यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डॉक्टर्स अगेन। ठीक है, आप बोलेंगे प्लीज टीबिया, क्या आप बोलेंगे प्लीज टिबुला इंजरी, टिबुला इंजरी, टिबुला नहीं होता, टीबिया फिबुला होता है, टीबी टीबिया अलग होता है, फिबुला अलग होता है। आपको फिबुला इंजरी हुआ है तो इंजरी के लिए रेस्ट, आइस, एलिवेशन, कंप्रेशन एंड कभी कभी अगर टूट टाट गई है तो ऑपरेशन, अगर सिंपल हुई है तो प्लास्टर, कास्ट लगता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लगते हैं, रेस्ट लगता है ना, सो दैट्स द थिंग। अब इंजरी कितनी इंजरी है, हड्डी टूटी नहीं टूटी, आई हैव आई नो, ठीक है। सो आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में इंफॉर्मेशन सही मात्रा में दोगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या है दिक्कत। एज 20 नी में दुखता है बहुत बार, अगेन नी में दुखता है, क्या आपने कैल्शियम चेक कराया, विटामिन डी चेक कराया, नी का एक्सरे कराया, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, ये 5 स्टेप सारे लोग कराओ। जितने लोगों को घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ और बेसिक टेस्ट कराओ, तब पता चलेगा कहाँ कमी है। बेसिक टेस्ट क्या है, बेसिक टेस्ट में आपको CBC कराना है, इन्फेक्शन तो नहीं है पता चलेगा, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, इन्फेक्शन तो नहीं है पता चलेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ आ सकता है, आपका लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ आ सकता है, ESR बढ़ा हुआ आ सकता है, CRP बढ़ा हुआ आ सकता है, ये सब आपने लिखते जाइए, CRP, ESR, आपका रूमेटाइड RA फैक्टर कराना है, ASO टाइटर कराना है, थायरॉइड कराना है, जी हाँ हाइपोथायरॉइड में पेन हो सकता है घुटने में, आपको कैल्शियम कराना है, कैल्शियम किडनी फंक्शन में आ जाएगा, किडनी फंक्शन करा लो, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स उसी में आ जाएंगे, फिर आपको कराना है विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब आपको कराने हैं। इसके अलावा लिवर फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको एक बार ये करा के देख लो, इसमें समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। और हमें अगर ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हड्डियों में जब भी कोई भी मेजर प्रॉब्लम होता है तो ALP धुआंधार तरीके से बढ़ सकता है, मतलब ALP बढ़ सकता है, ALP टेस्ट, तो ALP टेस्ट बहुत ज़रूरी है कराना। सो जितने लोगों को प्रॉब्लम है, दुखता है, पहले तो कैल्शियम की सप्लीमेंट लेनी शुरू करिए, विटामिन डी B12 लेना शुरू कर दो शुरू, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार विटामिन डी B12 और टेस्ट कराओ, ठीक है। और कोई पेन किलर ज़बरदस्ती के मत लेना, ठीक है। सर टेनिस एल्बो पेन, अच्छा टेनिस एल्बो इज अगेन टेंडनाइटिस, बेसिकली आपको एल्बो में जो टेंडन होती है, टेंडन में इन्फ्लामेशन है, इसमें आपको एल्बो जॉइंट्स में कई बार यहाँ पे पूरा दर्द होगा, मुझे भी होता है कभी कभी टेनिस एल्बो, जी हाँ इट्स वेरी कॉमन, डोंट वरी अबाउट इट, उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट से ही आपको उससे ठीक कराना पड़ेगा, लकीली मेरी सिस्टर फिजियोथेरेपिस्ट है तो मैं खुद ही करा लेता हूँ, लेकिन
आपको भी कराना पड़ेगा। देखिए टेनिस एल्बो बहुत बार ओवर यूज से हो जाता है, ओवर यूज जब आप इसका करते हो तब हो जाता है, उसके लिए थोड़े प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे एंड इट विल बी गुड, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, टेनिस एल्बो पर डिटेल वीडियो अलग से आएगा। ऑलराइट, हाउ टू मेक बोन स्ट्रॉन्ग, अभी इतनी सारी चीजें हुई बताई हैं बोन्स के लिए, राइट। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूनिट कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, पानी प्रॉपर, रेस्ट प्रॉपर, एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, राइट। बेस्ट एक्सरसाइज इज जंपिंग फॉर द बोन्स। सर रिस्ट प्रॉब्लम इज सोल्यूशन बताओ, रिस्ट प्रॉब्लम है, रिस्ट में बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, ये एक दब जाती है, ये दब जाती है, अगर रिस्ट में वो प्रॉब्लम है, रिस्ट में क्या प्रॉब्लम, तो नस दबती है, नस दबती है तो वहाँ से फिर आगे सेंसेशन का प्रॉब्लम, यहाँ वहाँ बथेरी चीज़ें हैं। सो अल्टीमेटली यू नीड अ डायग्नोसिस, वॉट यू कैन डू इज आप एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओ, वो एग्जामिन करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट एग्जामिन करेगा और वो बताएगा कि रिस्ट में क्या इशू है, कई बार एक्सरे एमआरआई की जरूरत पड़ती है। देखिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो टेस्ट कराने पड़ेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, विटामिन डी कम हो गया है जबकि धूप में रहता हूं, HbA1c और थायराइड भी नहीं है। विटामिन डी कम हो गया है धूप में रहने के बावजूद, तो कृपया विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लीजिए, सप्लीमेंट लेने के बावजूद नहीं ठीक हो रहा, इंजेक्शन ले लीजिए, इंजेक्शन लेने के बावजूद नहीं ठीक हो रहा, तो फिर दूसरी लैब से टेस्ट कराओ, आपकी लैब गलत टेस्ट बता रही है। ठीक है ना, और क्या, सिंपल है, पर अभी तो यही कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ यही है। कई बार क्या होता है कि धूप में जाने के बावजूद शरीर में, स्किन में विटामिन डी उतना जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा, तो सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। ऑलराइट, देन लिगामेंट इशू कैसे पता चलेगा, MRI से, लिगामेंट और टेंडन में इशू MRI से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है, और MRI में आपको क्लियरली दिखेगा कितना इशू है, टूटा फटा क्या है लिगामेंट। ठीक है, क्या है, पर जॉइंट है नहीं हुआ TBL जॉइंट, पर जॉइंट नहीं हुआ TBL, क्या मतलब इसका भाई साहब, एक साथ प्रॉपर लिखो ना यार। सर आफ्टर स्प्रिंट एंड लॉन्ग रन लेग में हद से ज्यादा दर्द होता है, अगेन दिस इज अ साइन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, बहुत बेसिक चीज है, स्प्रिंट एंड लॉन्ग रन, हड्डियां कमजोर है, बोन डेंसिटी कराओ, कैल्शियम कराओ, विटामिन डी कराओ, ठीक करो इसको, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपको लगेगा मेरे तो, मैं तो बहुत दूध पीता हूं, मैं तो नॉनवेज खाता हूं, मैं तो धूप में रहता हूं, फिर भी कम हो सकता है, चेक कराओ, राइट। पेल्विक गर्डल में पेन रहता है अभिषेक जी, सेम थिंग, पेल्विक गर्डल में कई बार गलत पोस्चर से बैठने से पेन होता है, खून की कमी, एनीमिया से पेन होता है, आपको यही सारे चेकअप मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब टेस्ट बताए वही कराने पड़ेंगे। अगेन शिन पेन कितने दिन रहता है, दिन, देखिए पहले तो पेन का रीजन पता करिए ना, दिन तो क्या बात हो, जिंदगी भर भी रह सकता है किसी को अगर पेन का रीजन नहीं पता तो, राइट। अगर आपको रीजन नहीं पता तो पेन 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 करते रहोगे और क्या। अच्छा, गुड टू हैव यू आशीष जी ऑन द लाइव। अर्टिकेरिया के बारे में अलग वीडियो होगा। पेन इन बोथ फीट, पैरों में दर्द, अगेन नंबर वन रीजन फॉर पैरों में दर्द इज ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, ओवर यूज, ज़्यादा देर खड़े रहना, रेस्ट नहीं देना, प्रॉपर पैरों की मसल्स को मसाज नहीं करना, बहुत दिक्कत होती है, राइट। सो इट्स अनफ्लैट फुट और पैरों में क्या नाम है उसका, प्रॉपर कुशंस नहीं रखना, और भी बहुत से कारण हैं, हील में बोन स्पर होना, राइट, हील पेन होना, हील पेन वेरी कॉमन रीजन, हील का जो कुशन होता है वो कम हो जाना, सो इन सब के लिए आपको कई बार सोल अलग लेने पड़ते हैं, उसके लिए सिलिकॉन सोल लेने पड़ते हैं, कई बार थोड़ा सा आपको मसाजेस कराने पड़ते हैं ताकि वहाँ पे बोन ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है पैरों की, बाकी ब्लड टेस्ट जो मैंने ऊपर बताए वो कराने पड़ेंगे, और ऑर्थोपेडिशन और इनसे मिलिए एक बार, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑलवेज ऑलवेज मिलके बात करिए क्या दिक्कत है। ऑलराइट, डाइट फॉर एथलीट्स फॉर गुड बोन एंड जॉइंट्स, एटलीस्ट डेली दिन में एक बार रात को आपका अच्छी मात्रा में केसिन, प्रोटीन, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ होना चाहिए, दिन में आपको धूप या विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए, हफ्ते में ले सकते हो, दिन में ले सकते हो, छोटी मात्रा में, विटामिन डी वाला मेरा वीडियो देख सकते हो उसके लिए।
विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस, ये चार चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और एथलीट्स हैं तो जॉइंट पे जितना प्रेशर है उसके हिसाब से उनको जो कुशंस हैं वहाँ पे जॉइंट पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या जॉइंट पे ऐसा कोई प्रेशर आने वाला है तो इसको ब्रेस करो, इसको वो जो आता है एंकलेट आता है, नीलेट आता है, जो भी आता है उसको हमेशा करो, ठीक है। स्कोलियोसिस और जो ये चीज़ें होती हैं ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी या तो काइफोसिस, स्कोलियोसिस जो होता है, या तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई है या तो वो ऐसी हो गई है, ये दोनों सर्जिकली ही ठीक किए जा सकती है। स्पाइन सर्जन इसको ठीक करते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गई है सर्जरी, बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, ऑपरेशन करा लीजिए, डरिए मत। स्कोलियोसिस और काइफोसिस के लिए फ्रोजन शोल्डर वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के बारे में बता चुका हूँ। फ्रोजन शोल्डर के लिए अगेन द ओनली वे फ्रोजन शोल्डर कैन गो अवे इज बाय, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, शोल्डर के ऊपर का एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल यानी उसके ऊपर की कवरिंग होती है, वो हो गई है थिक और टाइट। अगर ये कवरिंग थिक और टाइट हो गई है तो सिर्फ आपका रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और कई बार कुछ दवाओं से रिलैक्स हो सकता है, दैट्स इट, यू कैन नॉट स्टिफ। ये स्टिफनेस धीरे धीरे जाएगा और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, लेकिन आपको कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, जो मेडिकेशन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, वो आपको ऑर्थोपेडिशन से लेनी पड़ेगी। मेडिसिंस और फिजियोथेरेपी, ये दोनों के बगैर काम नहीं चलने वाला, और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जब बंद कर दोगे दिक्कत हो जाएगी, एक तरीके से सिंपल सी बात समझ लोगे ना। मैंने जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझाया था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के वो वाला वीडियो देखो समझ में आएगा कैसे होता है, जॉइंट के आसपास का कैप्सूल टाइट हो जाता है, अब ये पूरे शोल्डर के आसपास का कैप्सूल टाइट हो गया तो मेरा शोल्डर हिलेगा नहीं, दैट्स द फ्रोजन शोल्डर, राइट। सो ऑब्वियसली यू नीड फिजियोथेरेपी, आपको चाहिए सिंपल मेडिकेशन टू लूजन दैट थिंग, एक तरीके से सिंपल चीजें, ठीक है। और समय पे इलाज जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल राइट। चौकड़ी मार के बैठना इज नॉट गुड फॉर योर घुटना, चौकड़ी मार के बैठना इज नॉट गुड आफ्टर अ सर्टेन एज, अगर आपको एक्चुअल नी प्रॉब्लम है तो, अगर नी प्रॉब्लम नहीं है देन इट इज़ गुड। मैंने पोस्चर के ऊपर वीडियो बनाया था, हाइट वाले वीडियो में, हाइट के वीडियो सेकेंड पार्ट में जाके देखिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए बैठने का और खड़े होने का। लेटने का पोस्चर का कोई टेंशन मत लिया करो, लेटो कैसे मर्जी। आफ्टर एक्सीडेंट सर नी से आवाज़ आती है वाइल डूइंग स्क्वाट्स बट पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी में जो टिक टिक साउंड आता है दे आर क्वाइट नॉर्मल। उसके लिए कैसे क्यों होता है, उसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए जिसका नाम है नॉकिंग नीज या नी बाय डॉक्टर एजुकेशन लिखोगे तो आ जाएगा वीडियो, तीन चार ऑप्शंस में नीचे। सो घुटने से जो पॉपिंग साउंड आता है, पॉपिंग नी ऐसे करके टाइटल होगा, वो ज़रूर देखो, उसमें समझाया है क्यों आता है। बेसिकली छोटी सी गैस बनती है अंदर, टॉक से बहुत बढ़िया साउंड आती है, उसका वीडियो भी है इंटरनेट पे, बहुत जोरदार वीडियो है, वो भी देखोगे ना, बढ़िया एकदम जोरदार ऐसा था, टक 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 टॉन्ग, कहाँ से गैस आई पक जैसे आती, एकदम बहुत जोरदार वीडियो है उसका, राइट। ओके, मेरे फादर का जॉइंट में दर्द रहता है, अगेन आई डोंट नो आपके फादर को क्या दिक्कत है भैया, आगे बताओ। अब बोलोगे सर मेरे जॉइंट में दर्द रहता है, कारण बताओ, अरे मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, चेकअप कराओ, मैंने अभी बताया इतना सारा, वो चेकअप कराओ, ऑर्थोपेडिशन को दिखाओ। ओके, टेनिस एल्बो में पेन के लिए क्या करना चाहिए, टेनिस एल्बो में पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कई बार, कॉम्बी फ्लेम से लेकर नेप्रोक्सिन पेन किलर कभी कभी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठंडा रखिए उसको। अगर कोई एक्सरसाइज करनी पड़ रही है तो यू कैन वेयर अ कोल्ड एंकलेट, अपने एल्बो लेट में ठंडा करके ठंडे पानी में डुबा के मस्त पहन सकते हो उसको, फिर एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा मैं करता था पहले जब मेरे को दर्द होता था, अल्टीमेटली होता है थोड़ा बहुत पोस्चर प्रॉब्लम, वाइटामिन डेफिशिएंसी, जब आप वजन कम करते हो तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं। अब हम वजन कम कर रहे हैं तो बॉडी में दर्द भी होगा, मसल में दिक्कत भी होगी, क्योंकि आपके अंदर डेफिशिएंसी होगी। जब आप शरीर को सब दिया हुआ है, अब उसको गरीब कर रखा है, शरीर को कहा है कि बेटा तुम गरीब हो, तुम्हें जो है वो वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो बोलेगा नहीं क्या है ये, क्या है, हम क्यों मेहनत करें, है ना। तो इसीलिए उसमें थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, बाल भी जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, आपको पेन भी होता है, आपको मसल एक्स भी होते हैं, क्रैम्प्स भी होते हैं, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। ऑलराइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कितने सवाल होते हैं यार लोगों के, एक एक टॉपिक के, मतलब अपने को हमेशा टॉपिक रिपीट करना ही पड़ेगा लग रहा है।
कार्टिलेज टियर प्लेइंग बास्केटबॉल, ये डॉक्टर बता सकता है आपका मिस्टर अंशुमन, कार्टिलेज टियर ग्रेड वन है, कितना ज़्यादा है और बास्केटबॉल खेलने में क्या मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, नंबर वन फिजियोथेरेपिस्ट, नंबर टू ऑर्थोपेडिशियन, क्योंकि वो मूवमेंट असेस करना पड़ेगा। आइडियली अवॉइड कर सके तो करिए, लेकिन आपका करियर ही वैसा है तो फिर आपको रेगुलरली MRI करके देखना पड़ेगा, टियर बढ़ रहा है तो ऑपरेट करना पड़ेगा। राइट Alright, low vitamin D12 even after taking high dose of tablet. Reason and solution. Reason is malabsorption. Absorption नहीं हो रहा, आपने खाया आपके पेट से खून में नहीं जा रहा, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं अब्जॉर्ब हो रहा, इंजेक्शन लगवा लो, खत्म बात। सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है पेट में वो देखना पड़ेगा, दैट कैन बी मैनी थिंग्स। ओके राइट, अननोन नंबर से फोन आ रहा है, हम नहीं उठाएंगे। एडिया बहुत दर्द, एडियो में दर्द, मैं अभी बता चुका हूँ एडियो के दर्द के लिए क्या करना है, बोन के दर्द के लिए क्या करना है। डज बोन गेट डैमेज व्हेन, नो आई डोंट थिंक ऐसी सल्फामेट इतने छोटे मात्रा में बोन डैमेज करेगा, लेकिन हर एक चीज़ के किसी न किसी लेवल पर साइड इफेक्ट होते हैं। अभी मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि ये जो ऐसी सल्फेम है ये कितने लेवल तक सेफ है, इसलिए मैं इस पर आपको एडवाइस नहीं दे सकता, आप भी रिसर्च कर सकते हो, मुझे भी करना पड़ेगा पब मेड पे लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स पे। ऑलराइट, क्या लेमन जूस से एप्पल साइडर विनेगर से बैड होती है बोन्स के लिए? कतई भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेमन जूस डायरेक्ट हड्डी में नहीं जाने वाला और एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट हड्डी में नहीं जाने वाला। कई सारे फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सो फ्रूट्स खाने से सिट्रिक एसिड शरीर को मिलता है, वैसे लेमन खाने से मिलता है, वैसे एप्पल साइडर विनेगर दारू पीने से शरीर के अंदर खून के अंदर एप्पल साइडर तो नहीं विनेगर बनता है, आपको नहीं पता होगा तो पता नहीं, लेकिन है ऐसी सच्चाई है, दारू से भी बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हड्डियों के लिए खराब है या क्या है, लेकिन एक हर एक चीज की एक पर्टिकुलर मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगे तो दिक्कत हो सकती है। गैस उससे बेसिकली डाइजेशन में हेल्प होती है इन सब चीजों से, एसिडिक चीजों से। और कई लोग कहते हैं भाई मैं खड़े होकर पानी पीऊंगा तो डायरेक्ट मेरे बोन में जाएगा, हड्डी खराब हो जाएगी, सीधा पानी ना हो गया, तीर हो गया, सीधा मैंने खड़े होकर मारा और सीधा पटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कृपया इसको छोड़ दीजिए। कई लोग कहते हैं कि अगर हम पानी धकाधक पी लेंगे एक घुट में तो फिर वो डायरेक्ट जाके हड्डी खराब कर देगा, ऐसा भी नहीं होता। तो कृपया इन सब चीज़ों से बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, और ये सब बहुत अच्छी तरह से रिसर्च में प्रूवन है, तो कृपया टेंशन ना लें। आई हैव पेन इन जॉइंट मिडल बैक जॉइंट, अच्छा जॉइंट मिडल बैक पेन एंड जॉइंट से आवाज़ भी आती है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस रहती है। अगेन यू नीड ऑल दोज टेस्ट जो मैंने ऊपर बताएं, आप वो सारे टेस्ट कराइए, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए, ये सारे चीज़ें बताती हैं कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी नंबर वन रीज़न है इंडिया के अंदर, जिसके वजह से सारे शरीर में दर्द होती है, हीमोग्लोबिन की कमी, HB कम होना फीमेल्स में, वो ज़रूर पता करिए, उसमें ज़बान आपकी लाल की जगह सफ़ेद दिखेगी। ओके कॉमेडी सर क्लब हाउस, सत श्री अकाल जी, अगर फेस से अनवांटेड हेयर हटाने हैं, सॉरी जी ये अनवांटेड हेयर वाला सवाल नहीं है, बाकी आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो बताएंगे आपको। नी में दर्द हो रहा है वो सारे टेस्ट कराओ, लेमन साइडर बता चुका, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है वो सारे टेस्ट कराओ, पैराथायरॉयड हेम सॉरी ओके देखिए भाई साहब, पेट सवाल आया है, एक पेट सवाल ले लेते हैं फिर हम आपको पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में समझाएंगे। पेट सवाल है, ऑलराइट, हाउ डू यू मैनेज टू वर्कआउट इन स्पाइट ऑफ योर वर्क शेड्यूल, हाउ ऑफन डू यू वर्कआउट एंड व्हाट सप्लीमेंट डू यू टेक सर जी? आई डोंट वर्कआउट रेगुलरली, मैंने कल वर्कआउट किया था बड़ी मुश्किल, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन गलती से वर्कआउट होता है। उसके अलावा डू यू नो दैट इवन इफ यू आर फ्लेक्सिंग योर मसल्स यू आर वर्किंग देम आउट, इवन इफ यू आर फ्लेक्सिंग योर मसल्स यू आर वर्किंग देम आउट, दैट मीन्स बॉडी बिल्डर्स नहीं भी अगर बॉडी बना रहे, इवन इफ यू आर दिन में एक दो बार वो पोज करने बैठ जाएंगे, अगर सिर्फ भाई मैं सिर्फ एक बार पोज करूं जो भी पोजिंग करूं, दे आर वर्किंग आउट देयर मसल्स, यस दे आर, सो आई डू दैट राइट, मैंने बस और कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स में कुछ नहीं लेता मैं, प्रोटीन डाइट में लेने की कोशिश करता हूँ, हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करता हूँ, और दूध दही पनीर लस्सी छाछ जब मिल जाए खा लेता हूँ, चिकन मटन फिश जब मिल जाए खा लेता हूँ, राइट, और सोया खा लेता हूँ, बढ़िया, आज पूरा दिन मैंने सोया खाया है, राइट, सोया चाप, सोया ये पूरा सोया, कम से कम 200 ग्राम का सोया तो आज खा लिया होगा मैंने, और अभी भी पड़ी, अभी खाऊंगा सोया और, सो डोंट वरी अबाउट सोया, सोया बहुत अच्छी चीज होती है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है।
ऑल राइट, ठीक है, बाकी आ गए हम सवाल पे, पैराथायरॉयड हार्मोन पे। सो देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, कैल्शियम लेवल्स को खून में कैल्शियम को वापस लाता है, कैल्शियम प्रोड्यूस करता है। अगर कैल्शियम आपके ब्लड में लो हो तो पैराथार्मोन बनेगा, आपको ज़्यादा आएगा पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये क्या करता है, कैल्शियम आपके बैलेंस के लिए बहुत क्रूशियल है, और ज़्यादातर दिक्कतें इसके वजह से, मान लो अगर आपके अंदर पैराथायरॉइड ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग, तो फिर आपका अंदर क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ता जाएगा, ये दिक्कत आ सकती है। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है, इस चीज़ को आप समझिए। बाकी पैराथायरॉयड के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, इफेक्ट क्या है, खून में कैल्शियम बढ़ाता है, ठीक है। कहाँ से लाएगा, आसमान से तो नहीं लाएगा, हड्डी से निकालेगा और क्या। राइट, रिस्ट पेन करती है व्हाइल लिफ्टिंग बारबेल, सॉल्यूशन फॉर दिस। देखो अभी जैसे अभी मैंने रिस्ट की, देखो मेरी रिस्ट कितनी छोटी सी हो गई, मेरे को भी लोग बोल रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुमको सिक्स पैक पाने हैं, जो शायद मेरे नहीं आएंगे क्योंकि मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन जो भी आएंगे तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता सब कुछ मिले। राइट, सो यस, रिस्ट पे पतली है तो रिस्ट की थोड़ी सी, याद रखो रिस्ट पे ओवर एक्सरसाइज बहुत हो जाती है, रिस्ट की एक्सरसाइज करना बंद कर दो। नंबर वन, रिस्ट की एक्सरसाइज करना बंद कर दो, सीरियसली ओवर एक्सरसाइज हो जाती है रिस्ट की, इसलिए वहां पेन होती है, इसलिए वहां दिक्कत होती है, उसकी एक्सरसाइज बंद करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओह माय गॉड, इट्स 40 मिनट्स, कितनी बातें करते हो यार तुम लोग, हमें तो जाने नहीं देते हो। ओह माय गॉड, गिरने लगा था। एनीवे, चलो भाई लोगों, कल आता हूं, कल बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसका सवाल है, चलो रैंडम ले लेते हैं, रैंडम सवाल। All right. Okay, सवाल पीप यार, थैंक यू गाइज, बॉडी वीक लग रही है, विटामिन लेना चाहिए ड्यू टू ओवरनाइट टाइम वर्कआउट। या विटामिन लेने में टेंशन मत लिया करो, पड़ा है ले लो, सस्ता सबसे सस्ते वाला विटामिन ले लो, इतना सोचा मत करो। विटामिन लेना है दो तीन दिन में एक बार ले लो, कभी कभी ले लो। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ऐसी यादवाद तो रहता नहीं है, देखो अपना शरीर का ध्यान रखना, ऐसे कोई विटामिन डी का सेशन मिल गया उठा लिया, कभी एक दो हफ्ते में, पाँच छः हफ्ते में, एक आध महीने में एक बार करके खा लिया, इतना टेंशन नहीं लेना। बॉडी है, शरीर को इतना इंपॉर्टेंट है, एक आधी बार विटामिन का मन कर रहा है ले लो, विटामिन ज्यादा लेने का रोज नहीं लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द बॉडी, राइट। बट डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, थिंक अबाउट बिगर थिंग्स। चलो भाई इतना काफी हो गया, 41 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, मैं चलता हूं। पोस्ट नी सर्जरी सजेशन, पोस्ट नी सर्जरी रिहैबिलिटेशन एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तरुण बाजवा जी, एक्सरसाइजेज और रिहैबिलिटेशन के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते रहिए, और कैल्शियम बहुत 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 जरूरी है, कैल्शियम सप्लीमेंट लेते रहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट लेते रहिए, डोंट वरी अबाउट आपका नॉर्मल है या नहीं, कैल्शियम लेते रहो। विटामिन डी हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर लेते रहो। पापा को क्या है, काव्स में आचमी होती है, आचमी का मेरे को समझ नहीं आया आचमी क्या होती है, जॉइंट पेन रहता है, आप ऊपर वाले सारे टेस्ट कराओ, मसल्स में क्रैम्प रहता है, डिहाइड्रेशन नंबर वन, रिब्स मसल में पेन रहता है, ये रहता है आपके केस में डिहाइड्रेशन, कैल्शियम विटामिन डेफिशिएंसी नंबर वन रीजन है भैया, कोई उसके ऊपर नहीं है। तभी लोग कहते हैं भाई, आधे से ज़्यादा लोग दिक्कत ये होती है ना, लोग कहते हैं मैं जड़ी बूटी से ठीक हुआ, नहीं, वो जड़ी बूटी के साथ जो आपको परहेज देते हैं, जो डाइट देते हैं, जो पानी देते हैं, काफ़ी लोग उसी से ठीक हो जाते हैं। तो एनीवेज इस पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो, कल मिलता हूं, कल के टॉपिक के लिए वोट करना, और सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।